पतला क्यों कर रही हैं दाल को? पतला कहा, दाल में क्यों ना, बच्चे खा जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे। कमाई 15,000 रुपए प्रति महीना, परिवार में 6 सदस्य। अरीसा तो खाली है, इसमें कुछ नहीं, खाली खाली। अनीता देवी का परिवार राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में रहता है। वो घरों में जाकर काम करती हैं तो पति राजमिस्त्री का काम करते हैं। बढ़ती महंगाई ने अनीता देवी के बजट को बुरी तरह से प्रभावित किया है। तेल इसमें लाते हैं, सवेरे शाम में लाए हैं, अखनी खत्म है। आलू महंगाई है, 20 रुपया का आलू लाते हैं, 25 रुपया का लाते हैं, दोनों टाइम बनाते हैं। परवल 40 रुपये है, एक पाव परवल लाते हैं, 30 रुपया आटे, 30 रुपया के किलो आटा लाते हैं। अब 5 परिवार हैं, उसी में बना कर को कहीं ना गुजर करते हैं। दिल्ली सरकार के नियमों के मुताबिक अनीता का परिवार BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में गिना जाता है। अनीता के 2 बेटे हैं और दोनों राजमिस्त्री का काम करते हैं। वो मानती हैं कि 6 सदस्यों के परिवार में बमुश्किल गुजारा हो पा रहा है। तो महंगाई में कैसे लोग जी पाएगा? कोनो महीना में आदमी कमा लेता है 10,000, कोनो महीना में 15,000, कोनो महीना में नहीं कमाता है, फिर उसमें केना गुजर करेगा? कैसे हूँ तो उसी में बीमारी हमारी, खाना पीना कपड़ा लत्ता हर चीज उसी में देखना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में कई जरूरी चीजों के दाम बढ़े हैं। चावल दाल से लेकर तेल और आटा, सभी की कीमतों में इजाफा हुआ है। मूंग की दाल जो साल 2012 में 66 रुपए प्रति किलो की थी, वो आज 102 रुपए की हो गई है। सरसों की तेल की 1 लीटर की बोतल जो साल 2012 में लगभग 100 रुपए की मिलती थी, वो आज 187 रुपए की मिल रही है। LPG सिलेंडर जो साल 2014 में 410 रुपए का था, वह आज 1003 रुपए का हो गया है। अनीता की तरह ही कई परिवार हैं जिन्होंने अपनी जरूरतों को कम कर लिया है, लेकिन इसका असर जरूरी पोषण पर पड़ रहा है। एक ग्रोइंग चाइल्ड है, सबसे पहले तो उसकी प्लेट में गुड़ होना चाहिए, बिकॉज गुड़ इज स्वीट एंड इट इज गुड इन आयरन एंड इट्स ऑल्सो डिटॉक्सिफायर। सेकेंड, उनके डाइट में आंवला मुरब्बा ऐसा कुछ चीज़ ज़रूर होना चाहिए जो मीठे के स्वाद को भी पूरा करता है और आंवला अपने आप में एक इम्यूनिटी बूस्टर है। तीसरा, उनके डाइट में दलिया होना चाहिए या फिर उनकी डाइट में स्प्राउटेड मूंग की दाल। उनकी डाइट में थोड़ा सा घी ज़रूर होना चाहिए और नेचुरल घी, क्योंकि ये बच्चों की मस्तिष्क की ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो स्प्राउटेड मूंग दाल का चीला बन जाता है तो वो चीज़ बनाएं, वो उनकी डाइट के लिए अच्छा है। फिर उनकी डाइट में जो फाइबर उनको चाहिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कोई ना कोई जैसे वो जो भी सब्ज़ी खा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि वो सब्ज़ी भी उनकी डाइट में होनी चाहिए। बच्चे को सिर्फ दाल और चावल मिल रहे हैं तो नेचुरली, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन नहीं है, दाल में थोड़ा बहुत प्रोटीन है, बट अगर वो रोज़ एक ही टाइप का खाना खा रहा है तो उसमें डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। आम तौर पे देखा है कि बच्चे की जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, जैसे उसकी मस्तिष्क की कैपेसिटी, उसकी ब्रेन पावर, ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी एनर्जी लेवल्स, जितने भी विटामिन डेफिशिएंसीज हैं वो नॉर्मली इन बच्चों में देखी जाती है। हालांकि केंद्र और कई राज्य सरकारों की तरफ से मुफ्त राशन की योजनाएं दी जा रही हैं, सवाल ये है कि कितने लोग इन योजनाओं का फायदा उठा पा रहे हैं। वहीं कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध ने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाला है, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। तो जितना ही रहेगा उतना ही में हम चलना पड़ता है, सोच कर को चलना पड़ता है। अभी तो हम खा लेंगे और फिर सुबेर में हम क्या खाएंगे, अकेला क्या ख्याल आएंगे बच्चों के लिए सोचना पड़ता है ना। जो अभी तो रोटी और सब्जी मिल जाएगा तभी खा लेंगे, आ कल के तो फिर हमको रोटी सब्जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो सोचना ना पड़ता है बाल बच्चे के लिए।